एक और बड़ी खबर है लखनऊ से, जहां पर आज बुलंदशहर पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी रहेंगी मौजूद। जी हां, यात्रा के दौरान दिखेगी विपक्ष की पूरी एकजुटता। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव होंगे शामिल। अनूपशहर में राहुल प्रियंका करेंगे जनता को संबोधित। यात्रा के दौरान विपक्ष की एकजुटता की ताकत देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यह यात्रा पहुंच रही है। प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी यहां पर दिखाई देंगे। यात्रा के दौरान विपक्ष की एकजुटता को भी यहां पर देखा जा सकता है। अनूप शहर में राहुल प्रियंका करेंगे जनता को संबोधित। बुलंदशहर पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। राहुल गांधी के साथ मौजूद रहेंगी प्रियंका गांधी। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव भी होंगे शामिल। और उसके बाद कई जगह पर अखिलेश यादव भी इस न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अनूप शहर में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जनता को संबोधित भी करेंगे। और हमारे साथ घनश्याम निशान चौरसिया जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी लखनऊ से लाइव। घनश्याम, जिस तरह से बुलंदशहर कहा जा रहा है प्रियंका गांधी, और बुलंदशहर शायद अगर मैं जहां तक सही हूं तो वो उनका ससुराल भी है, तो ऐसे में उनका शामिल होना और यहां पर न्याय यात्रा निकालना कितना बड़ा संदेश। बिल्कुल दीपक, बुलंदशहर नहीं बल्कि उसके सटा हुआ जिला है मुरादाबाद, वहाँ उनका ससुराल है प्रियंका गांधी वाड्रा का, और वही मुरादाबाद में ही शामिल होंगे और उसके बाद वहां से राहुल गांधी के साथ साथ वो आगे यात्रा में बढ़ेंगे, यानी वो बुलंदशहर भी जाएंगे और बुलंदशहर के अनूप शहर में एक जनसभा होगा इनका, और उस जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जनसभाएं तो मुरादाबाद में भी होनी है इनकी, जनसभाएं अलीगढ़ में भी होनी है, जनसभाएं संभल और संभल में भी होनी है, लेकिन जो सबसे बड़ा जनसभा है इनका वो अनूप शहर बुलंदशहर में है, जहाँ पे आज शाम वो ये यात्रा मुरादाबाद से शुरू होकर के वहां पे पहुंचेगी और वहां पे काफी तैयारियां की जा रही है। इस लहजे से भी बहुत अहम है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का ससुराल मुरादाबाद में है और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा यहीं से इस न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे और यहीं फिर से वो हिंकार भरते हुए दिखाई देंगे। लेकिन इस मामले में भी बेहद अहम है कि विपक्षी एकजुटता का दावा कांग्रेस करने लगी है कि इस यात्रा के दौरान आज और कल दो दिन बहुत बेहद महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज से, कांग्रेस के लिहाज से। कांग्रेस के लिहाज से ये कि बसपा इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बावजूद उसके तीन बड़े सांसद कांग्रेस के इस न्याय भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे, जिसमें से बसपा के सांसद है श्याम सिंह यादव और बसपा के ही सांसद है मलुक नागर और सांसद दानिश अली। ये तीन जो बड़े सांसद है बसपा के वो इस न्याय यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। और ये अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि विपक्षी एकजुटता का मैसेज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आज और कल की न्याय यात्रा में दिखाई देगा। इस बयान से ये समझिए कि आज जो है लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह, ये वो लोक दल है जो मूल लोक दल अजीत सिंह से अलग एक पार्टी थी जो मूल लोक दल है, उसके सुनील सिंह जो भांजे थे, उनके अजीत सिंह के भांजे थे, जो काफी मुकदमा के बाद जो है काफी कोर्ट में लड़ाई के बाद ये मूल जो लोक दल पार्टी है वो सुनील सिंह के खाते में आई थी,
अब उसको लेकर के भी विपक्षी दल जो है वो साधने की कोशिश करेगी किसानों को लेकर के, क्योंकि अभी तक देखा जाए जयंत चौधरी जो है इंडी गठबंधन के हिस्सा थे, हालांकि गाये बगाए वो पत्र जारी करते थे लेकिन बैठकों में शामिल नहीं होते थे, अब वो इंडी गठबंधन को छोड़कर के इंडिया गठबंधन के हिस्सा बन गए, तो ऐसे में उनका ही एक समझिए कि एक उसी के तर्ज पे जो लोकदल चल रहा है बहुत छोटा सा हिस्सा काम करता है यहाँ पे, उनको लेकर के किसानों को और अजीत सिंह के गुट को यानी चौधरी चरण सिंह की जो पार्टी है जो उनका नाम है उसको लेकर के साधने की कोशिश होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रियंका गांधी तो होंगी ही, लेकिन कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इसमें जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इमरान प्रताप गढ़ी जैसे सरीखे नेता जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश करने की कोशिश होते वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे, और आज मुरादाबाद से निकलते हुए संभल और अमरोहा होते हुए अलीगढ़ पहुंचेगी बुलंदशहर के रास्ते, और अलीगढ़ में आज ही रात्रि प्रवास है और इसी के बाद अलीगढ़ से होते हुए कल आगरा और आगरा के बाद राजस्थान चली जाएगी। तो आगरा में जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पहली बार इस यात्रा का हिस्सा बनेंगे, तो ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है कांग्रेस के लिए आज और कल की उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों को एकजुटता का मैसेज आज और कल के यात्रा में देने की कोशिश करेंगे, और यही कारण है कि गठबंधन का हिस्सा नहीं होने के बावजूद बसपा के कई सांसदों को आज और कल शामिल किया जाएगा इस नया यात्रा में। हो सकता है कि वो लोग जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा ये लोग भाषण को वहां पे संबोधित भी करें या वहां पे कार्यकर्ताओं को संबोधित करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने इन तीनों लोगों को टिकट देने का मन बना लिया, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से 17 सीटों पे इंडी गठबंधन से कांग्रेस या उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, तो ऐसे में इन लोगों के साथ शायद बातचीत प्रथम दौर का बातचीत कंप्लीट हो गया है, और इसी के साथ ये सारे नेता जो मौजूदा सांसद है बसपा के वो लोग कांग्रेस के झंडे तले चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, और इसी के जरिए कांग्रेस पार्टी जो है साधने की कोशिश पूरी तरीके से करेगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और एक मैसेज कन्वे भी करने की कोशिश करेगी कि बहुजन समाज पार्टी वो भले ही एनडीए का हिस्सा नहीं है लेकिन अघोषित तौर पे वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार जो विपक्षी दल है खासतौर पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी दल है, उनके नेता लगातार बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हुए देखी जा सकती है, तो ऐसे में इन सभी दलों को यहाँ पे एक दूसरे से लामबद्ध और घेराबंदी करने की कोशिश जो है कांग्रेस करेंगी। राहुल गांधी अब इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण सेशन होने जा रहा है दूसरे चरण का आज और कल, आज इन विपक्षी दलों के साथ रहेंगे, कल अखिलेश यादव के साथ रहेंगे, और कल आगरा में अखिलेश यादव के साथ वो दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों का मतलब समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस के जो वोटर्स हैं, क्योंकि लगातार एक बात सामने आती है कि कई मामलों में जब पिछली बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, बसपा और सपा का गठबंधन हुआ था दो पिछले दो लोकसभा चुनाव में 2014 और 2019 की बात करें, तो उसमें ये कहा गया कि जो समाजवादी पार्टी के वोटर हैं वो वोटर बसपा की तरफ और कांग्रेस की तरफ तो चले जाते हैं लेकिन कांग्रेस और बसपा के जो वोटर्स होते हैं वो समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं आ पाते, यही कारण है कि जिसके साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करती है उनकी सीटें तो ऊपर चली जाती है लेकिन उसके साथ के जो समाजवादी पार्टी की सीटें घट जाती है, यही कारण है कि 10 सीटें जो है बसपा को मिली लेकिन वहीं पर 4-5 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिमट के रह गई, पिछली बार कांग्रेस के साथ रही सुपड़ा साफ दोनों लोगों का हो गया, तो ये पूरा एक जो स्ट्रेटजी है इसमें ये दोनों जो नेता हैं दीपक वो ये कन्वे करने की कोशिश करें कि अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप भी हमको सपोर्ट करें। बिल्कुल, अब ये देखना अहम होगा कि जब प्रियंका गांधी इसमें शामिल होंगे और अखिलेश यादव शामिल होंगे तब इस न्याय यात्रा का क्या आखिर प्रभाव पड़ता है और जनता पर कितना असर दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका घनश्याम।